सो गाइस आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरपीएमबी के बारे में, एक्चुअली इसका क्या यूज होता है और आरपीएमबी होता क्या है और इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर हम अपना यूएमटी खोलते हैं जो कि अभी नया अपडेट आया हुआ है यूएमटी मल्टी टूल एमटीके में जो कि 0.1 वर्जन शुरू किया गया। तो यहाँ सर्विस में जब आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखोगे तो आरपीएमबी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी आरपीएमबी है क्या, यहाँ पे क्यों दिया गया है, हालांकि इसी में नहीं दिया गया, पहले टूल में भी दिया गया था। तो इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, जिगर मोबाइल सेंटर जिनका नाम है, इन्होंने कमेंट किया है कि ये जो आरपीएमबी होता है इसको रीसेट करने से क्या रीसेट होता है और प्लीज सर बताइए बता देना आरपीएमबी ऑप्शन क्यों होता है, मतलब आखिर इनको जानना चाहते हैं आरपीएमबी है क्या, इसको रीसेट करने से क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। तो मुझे भी लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है आरपीएमबी का, एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसको समझाने में एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए हम इन्हें कमेंट करके नहीं बता सकते, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आरपीएमबी जानने से आपको समझ लीजिए कि एक डीप लेवल की जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग होती है इसमें इसका यूज़ होता है, और आप अगर इसको सीख गए तो इतना यकीन मानिए कि आरपीएमबी का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको ये वीडियो को पूरा देखना है और यकीन मानिए मैं आपको गारंटी देता हूँ जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा वो चीज़ कहेंगे कि हाँ ये वीडियो देख के हमने पूरा बहुत अच्छा किया और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करूंगा यहाँ पे इस टूल में दिया है, इसके पिछले भी एमटीके टूल जिसमें थे उसमें भी ये दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रीड आरपीएनबी, राइड आरपीएनबी और फॉर्मेट आरपीएनबी, इनका पहले हम समझ लेते हैं मतलब। तो फॉर्मेट का मतलब समझ गए होंगे कि फॉर्मेट करने के, किसी भी चीज़ को फॉर्मेट कर देना फॉर्मेट कहलाता है, और रीड का मतलब आपको पता ही है किसी मतलब कोई भी आप फ्लैश फोन का फाइल को रीड करके अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, जैसे कोई फोन है उसका अच्छा फोन है चलता फिरता, उसकी फ्लैश फाइल को आपको रखना है, आपको डाउनलोड इंटरनेट से नहीं करना है, तो उस फोन को कनेक्ट करके उसको रीड कर लोगे तो उसका पूरा फ्लैश फाइल आपको रीड करके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, ये रीड हो गया। और राइट का मतलब हो गया उसी फ्लैश फाइल को या फिर कोई और फ्लैश फाइल को आपको कंप्यूटर से निकाल के और अपने मोबाइल में चढ़ाना है तो उसको राइट बोल सकते हैं, तो ये इसका फंक्शन का मतलब हो गया। अब हम समझते हैं आरपीएनबी होता क्या है। तो आरपीएनबी एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो कि ईएमएमसी में लगाई जाती है, जिस तरह आपको फोन में लॉक होता है उसी तरह आरपीएनबी एक तरह की सिक्योरिटी होती है। इसको अभी डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएनबी का यूज होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी फोन में स्वाइप का आपने सुना होगा कि जैसे किसी फोन गिर गया पूरा मदरबोर्ड डैमेज हो गया तो उसकी डाटा वगैरह अगर हम चाहिए तो हम सीपीयू और ईएमएमसी दोनों को स्वाइप करके सेम दूसरे बोर्ड में डाल देते हैं तो फोन वर्किंग हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट सिर्फ ईएमएमसी को आपको डालना हो तो क्या होगा, आपको पता होगा बहुत सारी कंपनी की ईएमएमसी आती है, माइक्रोन की आती है जो कि बहुत ही जल्दी खराब होती है, और सैमसंग की आती है जो कि सबसे अच्छी मतलब और भी अच्छी चीज़ है लेकिन सैमसंग की थोड़ी अच्छी पावरफुल ईएमएमसी होती है। तो इनमें ये सब जो दिया है एमटीके टूल में तो पता नहीं इसका यूज़ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये सब चीज़ें यूएफआई और इजीजीटेक में ज़्यादा यूज होती है और वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इजीजीटेक वगैरह में आरपीएनबी वगैरह का। तो ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो कि ईएमएमसी में डाली जाती है। तो अगर आपको बोला जाए कि किसी एक फ़ोन के एक बोर्ड से आप ईएमएमसी उठा करके और दूसरे सेम बोर्ड में ही डाल दीजिए, बट उसका मतलब दो सेम फ़ोन है, एकदम सेम टू सेम फ़ोन है लेकिन इसकी सिर्फ ईएमएमसी निकाल के आप उस फ़ोन में डाल दीजिए और उसकी ईएमएमसी इसमें डाल दीजिए, दोनों फ़ोन कोई नहीं चालू होगा या तो लोगों पर रुक जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन आया कोई सा भी, उसको आपको कुछ उसका डाटा आपको लेकर अपने कंप्यूटर में रखना है तो आप क्या करोगे, उसका लॉक उसमें होगा, उस लॉक को आपको जानना पड़ेगा, और अगर आपके पास लॉक नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, और फॉर्मेट करोगे तो फोन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, उसमें आप जो चाहे उसके फाइल में डाल सकते हो, उस फोन में चाहे नहीं डाल सकते हो, तो जब आपको लॉक रहेगा तभी। और अगर आपका फोन लॉक है और आप अपने कंप्यूटर में लगा के सोचो उसमें कुछ ट्रांसफर करने का तो होगा नहीं होगा, बस उसी तरह से ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है आरपीएनबी की जो कि एक तरह का लॉक का काम करती है और वो ईएमएमसी में डाली जाती है। और ये लॉक अगर आपके ईएमएमसी में रहेगी तो आप ईएमएमसी निकाल के चाहोगे किसी और कंप्यूटर में डाल दें और उसको मतलब किसी और मोबाइल में डाल दें उस ईएमएमसी को, तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि इसलिए नहीं काम करेगी क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ये ईएमएमसी में डाल दी जाती है जिससे कि वो उस सीपीयू के साथ कनेक्ट हो जाती है और उसी सीपीयू से वो काम करेगी, आप दूसरे सीपीयू में डालिए वो काम करेगी ही नहीं, ये होता है इसका सबसे बड़ा रूल। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने ईएमएमसी को दूसरे फ़ोन में डाल दिया और उसको आरपीएनबी वगैरह कोई भी बाईपास नहीं किया,
तो आपको या तो CPU और EMMC दोनों को उस बोर्ड में स्वाइप करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ आप EMMC को करते हो तो वो उसके साथ उसके CPU के साथ कोडिंग कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कंपनी फोन बनाती है तो उसको एक कोडिंग के जरिए कनेक्ट कर दिया जाता है उसी CPU और उसी EMMC को, वो उसी के साथ कनेक्ट होगी दूसरे साथ नहीं। तो हम RPNB बोलते हैं, तो हमारे RPNB एक पोर्ट ही है, उसको हमें यहाँ से रीड करना, कोडिंग रीड करके आप रख लेते हो किसी भी फोन का, तो आप उस EMMC को सेम मॉडल के किसी भी फोन में चाहो तो उसी EMMC को डाल के चला सकते हो। लेकिन अगर आप उसको फॉर्मेट कर देते हो तो आप किसी भी फोन में डालो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह फोन में लॉक होता है और लॉक को हम फॉर्मेट कर देते हैं, और फॉर्मेट करने के बाद से उस फोन को किसी भी कंप्यूटर में डालो, डायरेक्ट केबल लगाते ही वो फोन का डायरेक्ट आपको मेमोरी से हो जाता है और आप उसमें जो चाहे उसमें गाना सॉन्ग फोटो जो भी डालना चाहे डाल सकते हो। लेकिन जब तक उसमें लॉक नहीं रहेगा तभी ऐसा होगा, अगर लॉक रहेगा तो फिर उसमें आप कुछ भी कर लो, केबल लगाओ निकालो, कनेक्ट होगा ही नहीं, आपको दिखाएगा ही नहीं। सेम उसी तरह से EMMC है, अगर आप उसके EMMC के RPNB को फॉर्मेट कर देते हो, रिसेट कर देते हो, तो आपकी EMMC किसी भी फोन में डाल दो, कनेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो फॉर्मेट नहीं करते हो तो आप उसमें डालो या तो हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आएगा। और ये माइक्रोन वगैरह की EMMC जो होती है वो बहुत कमजोर होती है, उनका NVMe ROM वगैरह फॉर्मेट करते समय कई बार वो खराब हो जाती है, 90% कंज्यूम ले लेती है। अब बहुत सारे लोगों को ये नाम सुना होगा 90% कंज्यूमिंग, ये होता क्या है तो इसको बता दूं, आपको पता है EMMC क्या होती है? EMMC होती है एक तरह की मेमोरी कार्ड होती है, मान के चलिए। तो मेमोरी कार्ड आपका कई बार करप्ट कर जाता है, खराब हो जाता है, जो अच्छे क्वालिटी का होता है वो अच्छा दिन चलता है, वैसे ही सेम है सैमसंग का EMMC रहती है, अच्छे दिन चलती है। माइक्रोन की रहती है थोड़ी कमजोर होती है, वो अच्छी नहीं चलती है, तो उसमें 90% कंज्यूम का मतलब एक तरह से समझ लीजिए करप्ट हो गई। आपका जब तक वो चल रहा है उसका हेल्थ सही है, हेल्थ का मतलब यही होगा आपका मेमोरी कार्ड जो यूज कर रहे हो सही चल रहा है, जिस दिन करप्ट कर गया उसके बाद उसको फेल है। उसी तरह से EMMC है, 90% कंज्यूम का मतलब हो गया कि करप्ट कर गया, तो 90% कंज्यूम होने के बाद उस EMMC का आप यूज नहीं कर सकते हो, मार्केट से नया EMMC ला के आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके उसको जो चाहे वो आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए 90% कंज्यूम EMMC नहीं चाहिए, उसका हेल्थ होना चाहिए उससे कम। अगर मान के चलिए 90% से कम हेल्थ है तो आप UFI वगैरह में डाल के उसको ठीक कर सकते हो, उसका हेल्थ सही करके फॉर्मेट करके, और उसका से फिर आप उसमें उसका बैकअप वगैरह सिक्योरिटी वगैरह डाल के आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये EMMC का एक तरह से रूल होता है। और RPNB के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि RPNB क्या होता है, एक तरह की पैच फाइल होती है जिसको कि सिक्योरिटी के लिए आपका EMMC और CPU का कॉम्बिनेशन में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकें। अब आप उसके हिसाब से कोडिंग है, उसके हिसाब से बातचीत चल रही है, आप दूसरे फोन में डाल दोगे उसकी कोडिंग कुछ और होगी, तो उसके साथ बातचीत मेल नहीं खाएगा, चाहे वो सेम मॉडल का ही फोन क्यों ना हो। लेकिन आपको सेम अगर आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है तो CPU EMMC दोनों आपको स्वाइप करनी है, और अगर आपको EMMC किसी भी फ़ोन की निकाल के उसमें स्वाइप कर देनी है, हालांकि EMMC सेम होनी चाहिए सेम ब्रांड की, अगर उस फोन में सेम कैपेसिटी है तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, उसकी RPNB को फॉर्मेट करना पड़ेगा, या फिर इसकी RPNB को रीड करके उस CPU EMMC में लोड करना पड़ेगा, तब जाके वो फोन प्रॉपर चालू हो जाएगा। तो ये होता है पूरा इसका RPNB का खेल, जो कि आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी पर नॉलेज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।